आज मैं अपने रेसिपी में बनाई हूँ बिहार का फेमस बरसात स्पेशल अदौरी का सब्जी, जिसके साथ मैं आलू भी थोड़ा मिक्स की हूँ। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के रेसिपी में। तो आज मैं बरसात का स्पेशल सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि हमारे बिहार में अक्सर ये बनता है बरसातों में। तो जैसे कभी कभार होता है कि हमारे घर में सब्जी नहीं है, हरा सब्जी, या फिर हरा सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, बरसात में कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, तो ये सब्जी हम बनाते हैं। ये सब्जी है अदौरी का सब्जी, जिसको हम आलू के साथ मिक्स करके बनाएंगे। आप चाहें तो आलू स्किप कर सकते हैं, सिर्फ अदौरी का सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे सिर्फ अदौरी नहीं खाते, उनको आलू चाहिए, इसलिए मैं आलू डालती हूँ। तो ये आलू मैं उबाल के ली हूँ, और अदौरी है जो आप घर में जितने मेंबर रहेंगे उस हिसाब से लेंगे। ये मैं दो लोगों के लिए ली हूँ अदौरी, और तीन प्याज है, दो टमाटर है, 8-10 कली लहसुन है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और आप सभी चीज़ का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे, जैसे सब्जी और ज़्यादा बनाना है तो प्याज टमाटर अदरक लहसुन सारा चीज़ हम बढ़ा देंगे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ जो अदौरी है ना उसको भूनने के लिए डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच हम डाल दिए हैं, अब इसको ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ा सा अदौरी को भून लेंगे, इस प्रकार थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेते। देखिए ये फ्राई हो गया है, थोड़ा सा खुशबू निकलने लगा, इसे हम ज़्यादा जलाएंगे नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर जलने वलने का दाग लग गया या तो फिर सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसे हम निकाल लेते हैं जिस बर्तन में था उसी बर्तन में। देखिए हम सब्जी को निकाल लिए हैं अदौरी को, अब फिर कढ़ाई में सरसों का तेल फिर से डाल रहे हैं, फिर से ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर से 1 से 1.5 चम्मच ही डालेंगे। अब इसमें हम आलू डालते हैं, उबला हुआ आलू। और इसे साबुत ही डाले हैं, और इसे हम गोल्डन होने तक इसे भी फ्राई करते हैं। साबुत मैं इसलिए डाली हूँ कि आलू उबला हुआ है, और कटिंग करके जब हम फ्राई करते हैं ना तो कढ़ाई गंदा हो जाता है, फिर से मसाला भूनने के लिए क्लीन करना पड़ता है, लेकिन हम साबुत भून देते हैं तो ये कढ़ाई क्लीन नहीं करना पड़ता है, बहुत अच्छा से गोल्डन होकर भुना भी जाता है। तो ये मेरा पर्सनल आइडिया है, मैं ऐसा करती हूँ, जब उबला आलू का जब भी सब्जी बनाती हूँ तो मैं साबुत आलू ही फ्राई करती हूँ, आप इसे आजमा सकते हैं। देखिए आलू गोल्डन हो गया है, अब इसे भी हम बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हम आलू निकाल लिए, अब इसे ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद मन चाहे साइज में हम इसे काट लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालते हैं, अब 2-2.5 चम्मच जितना अच्छा आप टेस्टी खाना बनाना चाहते होंगे सरसों तेल डालिए। ये मैं 3 टेबल स्पून तेल डाली हूँ। हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ, जीरा को गोल्डन होने देते हैं, उसके बाद प्याज डाल देते हैं। और इसे भी हम गोल्डन होने तक भूनते हैं। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इसी प्रकार मेरे रेसिपी का आनंद उठाते रहें। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आता है तो प्लीज अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए, शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपनों के साथ शेयर भी कीजिए। अब इसे हम गोल्डन होने तक भूनते हैं, और जल्दी भून जाए उसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पहले नमक डाल देती हूँ। नमक डाल देने से क्या होता है, प्याज जल्दी भून जाता है। ये 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, फिर बाद में डालूंगी।
तो इसे गोल्डन होने तक भूनते हैं। जब तक प्याज भून जा रहा है तब तक हम मसाला इधर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लिए हैं जो टमाटर लिए थे उसको चॉप करके ये जार में डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर। ज्यादा नहीं डालेंगे, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो चलिए इसका हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए प्याज गोल्डन होके भुना गया है। अब इसमें हम जो धनिया टमाटर और मिर्ची पीसे हैं वो डाल देते हैं। देखिए टमाटर पीसने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है ना, हमको ग्रेवी चाहिए तो ग्रेवी के लिए कुछ तो चाहिए। प्याज भी नहीं पीसेंगे और टमाटर भी नहीं पीसेंगे तो ग्रेवी बनेगा किस चीज का, और नहीं पीसते तो ठीक से गलता नहीं, इसलिए हम इसको पीस दिए हैं। और इसे हम अच्छे से अभी भूनते हैं। अब इसमें हम हल्दी और नमक भी डाल देते हैं। हल्दी कलर के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना लगता है उतना ही डालेंगे, और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा प्याज में हम डाल दिए थे और कहीं तो नमक नहीं डाला था, इसलिए नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। देखिए सब्जी तो हर कोई बनाना जानते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। तो तरीका सही जानने के लिए या अलग तरीका जानने के लिए हर रेसिपी को पूरा देखना चाहिए। और ये अदौरी जो है ये हमारा होममेड अदौरी है। आप इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये मैं घर में बनाई हूँ और अभी नहीं बनता है, गर्मियों में बनाते हैं और गर्मियों में बना के हम रख लेते हैं इसको बरसात में खाने के लिए। और जब तक ये फ्राई होता है अच्छे से तब तक हम अदरक लहसुन को कूट के रख लेते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट भूनने के बाद बहुत भुंजा गया है, अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा और भुन जाएगा। अब इसमें हम अदरक लहसुन जो कूट के रखे थे वो डालते हैं। आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास पेस्ट है तो 1.5 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ज्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये जीरा पाउडर भी मेरा होममेड ही रहता है। अब इसे हम अच्छे से तेल छोड़ने तक भूंजेंगे, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे बढ़िया से। भूंजने में कंजूसी नहीं करना है, मसाला जब तक बढ़िया से फ्राई नहीं होगा सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मसाला भूनने में कंजूसी मत कीजिए, एकदम बढ़िया से इसको फ्राई कीजिए। तो तब तक हम फ्राई करते हैं। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुंजा गया है, एकदम कढ़ाई छोड़ दिया है। देखिए ये बहुत नजदीक से दिखा देती हूँ, कढ़ाई छोड़ दिया है, सिसका हुआ नहीं है, बहुत अच्छा खुशबू घर में फैल गया है। और अगर आप कम तेल वाला सब्जी बना रहे हैं तो मसाला थोड़ा चिपकेगा, और उससे बचने के लिए आप बीच बीच में 1-1 चम्मच पानी डालते रहिए और अच्छे से फ्राई जरूर कीजिए। ये नहीं कि चिपकने लगा तो हम झट से पानी डाल के ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, नहीं, चिपकने लगा तो थोड़ा पानी डालिए, चिपकना बंद हो जाएगा, उसी प्रकार उसको फ्राई कीजिए। अब इसमें हम पहले ये आलू डाल देते हैं, मनचाहा साइज में काट लिए हैं, और ये पानी डाल देते हैं। पानी अभी हम और डालेंगे। आलू इसलिए डाल दिए कि आलू का कुछ नहीं होने वाला है, मेल्ट नहीं होगा, लेकिन अभी अदौरी नहीं डालेंगे, अदौरी डालेंगे उबलने के बाद डालेंगे तो अदौरी बहुत अच्छा से फूलेगा। अभी पानी और डालते हैं। देखिए पानी हम डाल दिए हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा डाले हैं क्योंकि अदौरी जब डालेंगे ना तो वो पानी से में फूलेगा और पानी कम हो जाएगा। तो अभी हम इसको ढक के उबलने देते हैं, उबलने के बाद अदौरी डालेंगे। इसे हम उबलने देते हैं। देखिए 5 मिनट हो गया है उबलते हुए, बढ़िया से उबल गया है, मसाला में एक खुशबू भी आ रहा है। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, सॉरी पानी नहीं, अदौरी डाल देंगे।
आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं फिर से खाली अदौरी बोल रही हूँ, तो इसको हम अदौरी बोलते हैं हमारे बिहार में, लेकिन और सभी जगह इसे बड़ी बोलते हैं। ये बड़ी हुआ और होममेड बड़ी है। अब इसे हम फूलने तक, जब तक ये बड़ी बढ़िया से फूल ना जाए, अच्छा से हम पका लेंगे। अगर पानी कम लग रहा है तो और पानी डाल लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा स्वाद के लिए गरम मसाला डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देते हैं। और अगर आप दूसरा मसाला डालते होंगे, जैसे किचन किंग मसाला या जो भी पनीर मसाला, छोले मसाले, कोई भी आप फ्लेवर के लिए डालना चाहते हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद होगा वो डालिए, और इसे अच्छे से बड़ी को फूलने तक पकने दीजिए। तो फिर से हम इसे ढक के पकने दे देते हैं, उसके बाद फिर निकालते हैं। देखिए कुछ देर पकने के बाद इसे हम खोल के देखते हैं, ये तैयार हो गया है सब्जी। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम सर्व करते हैं। देखिए ग्रेवी इतना है, ग्रेवी आप अपने पसंद से रख सकते हैं। ये ग्रेवी जो इतना आपको दिख रहा है, ये थोड़े देर बाद, अगर 10 मिनट बाद सब्जी खोल के देखेंगे तो ये पूरा सूख चुका होगा, इसलिए आप सोच समझ के ग्रेवी रखिए। अगर ज़्यादा ग्रेवी खाना है चावल के साथ तो थोड़ा सा और ग्रेवी रहने दीजिएगा, मैं रोटी के साथ सर्व करूँगी इसलिए इतना सुखाई हुआ। थोड़ा देर बाद ये बरी जो है सोख लेगा, पानी ऑब्जर्व कर लेगा तो ये भी कम जाएगा। चलिए इसे हम बंद करते हैं। तो देखिए हम बड़ी का सब्जी सर्व कर रहे हैं। तो आप इसे रोटी या चावल के साथ, जिस चीज के साथ पसंद करते हो उस चीज के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत टेस्टी बना है और आप इसे देख सकते हैं कि मेरी सब्जी का बड़ी सब साबुत है, टूटा नहीं है। बहुत सारे लोग का बड़ी है जो टूट जाता है, फूलने के बाद टूट जाता है, मिक्स हो जाता है। तो आप मेरे तरीके से बड़ी बनाइएगा तो मेरा बड़ी एक भी नहीं टूटा है और बहुत अच्छे से, देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए कैसे जूसी हो गया है। तो आप मेरे तरीके से बड़ी बनाइए और इसे बरसात में आनंद लीजिए। और इस पर आप धनिया पत्ती भी गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आज अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें धनिया पत्ती ऊपर से सर्व कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप, मुझे उम्मीद है आप जरूर ट्राई करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके बहुत मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम।